जगरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, तो सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्रेमी जोनी जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बारे प्रेमी रमेश जी इंसान शास्त्र राम जी मार्ग सरसा से भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दो चरणों का प्यार पिताजी हमें रख लो सेवादार, तेरे दर पे करूं नौकरी बनकर पहरेदार। दो चरणों का प्यार दाता जी हमें रख लो सेवादार, तेरे दर पे करूं नौकरी बनकर पहरेदार। दिल से जी करूं चाकरी दर पे झाड़ू लगावा, तन मन से मैं साध संगत की सेवा टहल कमावा। दिल के कागज पर लिखी अर्जी, दिल के कागज पर लिखी अर्जी कर लो जी स्वीकार, तेरे दर पे करूं नौकरी बनकर पहरेदार। क्षण तेरी याद में बीते तेरा ही जस गाऊं, रूहे जिंदगी चरखड़ी पे तंद नाम तेरे के पाऊं। रजा में राजी रहूं सदा जी, रजा में राजी रहूं सदा जी, ऐसा करो उपकार, तेरे दर पे करूं नौकरी बनकर पहरेदार। मैं मेरे में कभी ना आए तू ही बोलूं नाम तेरा, मैं मेरे में कभी ना आए तू ही बोलूं नाम तेरा, आए हो ठुप जब
काले ठुकराए को तू दिल के साथ लगाया, यो के नहीं था इसके जो तू इतना प्यार लुटाया। सब कुछ तेरा क्या दूं तुझको मैं क्या दे बनहा, तेरे दर पे करूं नौकरी बनकर पहरे। सतनाम जी पिता आपके बच्चे अर्ज गुजारे, नजर में हर की रखना मुर्शिद का मिल प्यारे। आपके बिन कोई और नमीत देना नहीं मिसा, तेरे दर करूं नौकरी बनकर तेरे दा। दो चरणों का प्यार पिताजी हमें रख लो सेवादार, तेरे दर पे करूं नौकरी बनकर तेरे दा। दन दन सब तेरे धनन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रमेश जी सा सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद भाई राजेश जी सा भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। धनन सदगुरु तेरा ही आसरा। धनन सदगुरु तेरा ही आसरा। विषयों को मन दौड़ के जाए, विषयों को मन दौड़ के जाए, सत्संग नहीं पाए ना ये नाम ध्याए हो ना ये नाम ध्याए। विषयों को मन दौड़ के जाए, कस सिनमा जहां भी होए, जहां भी होए है भागा भागा जाए, भागा भागा जाए। नाम कथा सत्संग में होए, उधर कभी ना जाए। यहां बताए नाम की जुगती, यहाँ बताए नाम की जुगती, सत्संग में ना आए ना ये और ना ये नाम दयाए, ओ ना ये नाम दयाए। ओहो मन का है ये काम प्यारे बुरे ही काम कराए, बुरे ही काम कराए। अच्छे काम करन न देता, नरकों में ले जाए। कर्मों का फल भोग न पड़ता, कर्मों का फल भोग न पड़ता, जैसे कर्म कमाए ना ये नाम दयाए, ओ ना ये नाम दयाए। इसी जन्म में नाम दयाले, नाम दयाले हो जल्दी ना फिर मिलना, जल्दी ना फिर मिलना। सदियां
पीछे फूल खिला है, बार बार ना ये खिलना। लाख चौरासी जून भुगत कर, लाख चौरासी जून भुगत कर, फिर जन्म है पाए ना ये, ना ये नाम दे आए, ओ ना ये नाम दे आए। मित्र नहीं मन दुश्मन पूरा, दुश्मन पूरा काल कहे ये नेता, काल कहे ये नेता। कर्म किसी से रोके नाही, कर्म किसी से रोके नाही, नाम जपन ना देता। बात कभी ना मानो, मन की बात कभी ना मानो, शाल सतनाम जी समझ आए, ना ये नाम दे आए, ओ ना ये नाम दे आए। इशियों को मन दौड़ के जाए, इशियों को मन दौड़ के जाए, सतसंग ना ही बाए, ना ये, ना ये नाम दे आए, ओ ना ये नाम दे आए, ओ ना ये नाम दे आए। दम दम सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। नाम छूटे ना जी, प्रेम टूटे ना, चरणों से तेरे चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, नाम छूटे ना जी, प्रेम टूटे ना, चरणों से तेरे चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, नाम छूटे ना जी, प्रेम टूटे ना। रहूं फिर भी तेरी लगन हो मन में मेरे, हो जी हो, याद न भूले, भूले दुनिया मन से मेरे, हो जलता रहे जी सदा याद का दिया दिल में मेरे। नाम छूटे ना जी, प्रेम टूटे ना, भूलू तेरे चरणों की, सतगुरु जी बनाई रखना, हो जी हो, दर्शन पानी देके दिल का कमल ये खिलाई रखना, हो बिन दर्शन के तड़पू जी, सतगुरु मेरे नाम छूटे ना जी। ते
तेरा ही सहारा एक और ना सहारा कोई मुझको हो जी हो तेरे जैसा दुनिया में लगता ना प्यार तेरे जैसा दुनिया में लगता ना प्यारा कोई नाम छूटे ना जी प्रेम टूटे ना नाम जो दिया प्रेम की भी मालिक की प्यारी सत्संग जीओ इस संसार में इंसान बुरी तरह से लंपट है। दुनियावी साजो सामान बड़ा अच्छा लगता है और परमपिता परमात्मा की बात अलूनी सिल की तरह बकबकी लगती है। गपशप मारने में, चुगली निंदा में समय कैसे बीत जाता है लोग कहते पता ही नहीं चलता, पर जब रब का नाम लेना हो, परमपिता परमात्मा की चर्चा करनी हो तो एक एक मिनट घंटे के समान गुजरना शुरू हो जाता है। यही है कलयुग, यही है काल का समय कि इंसान मालिक को याद करना बड़ा मुश्किल समझता है और दुनियावी काम बड़ा ही आसान समझता है। जबकि जितने भी दुनियावी काम धंधे आप करते हैं ये कर्म भूमि धरती पे यहीं करके यहीं छोड़ के चले जाना है। परमपिता परमात्मा का नाम एक ऐसा है जो इस दुनिया में भी और जब शरीर छोड़ के आगे जाना है उस दुनिया में भी इंसान का साथ देता है। आज के दौर में हमने जो देखा है नौजवान पीढ़ी खास करके बुरी तरह से नेगेटिविटी का शिकार है। ये नहीं है कि सभी एक जैसे हैं, पॉजिटिव सोच भी लोगों के अंदर है लेकिन ज्यादातर नौजवान नेगेटिव सोचते हैं। कोई काम करने से पहले ही उनके दिलो दिमाग में आता है मैं फेल हो जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो हे नौजवानों, जब आप अपने माइंड में ऐसी नेगेटिविटी बिठा लेते हो या आपके अंदर हमेशा ऐसे विचार आते रहते हैं तो इसका सीधा साधा मतलब है आपका आत्मबल बेहद कमजोर हो गया है। और आत्मबल कमजोर होने की वजह से आप नेगेटिव पहले सोचते हैं, पॉजिटिव होने पे आपको यकीन ही नहीं रहता। अगर हो जाता है तो आपको लगता है बाय चांस हो गया। इसलिए नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दो। और ये निकलेगी कैसे, कैसे होगा यह सब? आप सक्सेस होने के लिए, किसी काम में सफल होने के लिए कितना समय लगा देते हो, लगे रहते हो कि मैंने
सफलता हासिल करनी है, पैसा लगाते हो, समय लगाते हो, हर संभव प्रयास करते हो, पर आपकी नेगेटिविटी की वजह से, आत्मिक कमजोरी की वजह से जीती हुई बाजी आप हार जाते हैं। अगर आपके अंदर पॉजिटिव विचार आ जाएं, तो आप समय भी लगाने को तैयार हो जाओगे, पैसा भी देने को तैयार हो जाओगे कि कोई हमारे अंदर पॉजिटिव विचार ला दे। पर खुशी की बात यह है कि पॉजिटिव विचार लाने के लिए आपको एक पैसा नहीं देना है, आपको समय बर्बाद नहीं करना है, बस कुछ समय जब आप सोने जा रहे हो, वॉकिंग टाइम है, आप नहाने जा रहे हो, सफर कर रहे हो, उसी में अगर एडजस्ट कर लो तो नेगेटिविटी चली जाएगी, यानी आत्मिक कमजोरी खत्म हो जाएगी, आत्मबल से आप माला माल होंगे और सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। कहां तो जीती बाजी आप हार जाते थे और कहां हारी हुई बाजी जीत जाएंगे, कहां तो हर कार्य करने से पहले आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते थे और कहां कार्य शुरू होने से पहले आपके अंदर इतना उत्साह होगा कि हां कोई भी काम क्यों ना हो मैं उसे जरूर सफल तरीके से कर पाऊंगा। अगर ये विचार आपके अंदर बिना पैसे दिए आ जाएं, नेगेटिविटी चेंज हो जाए और पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर घर कर ले, कितना बढ़िया काम है। पर आप सोचते होंगे इसके लिए करना क्या है, कुछ भी नहीं। आप जिस साइंस को मानते हैं वो यहां से पैदा हुई है, हमारे पवित्र वेद, उनका एक छोटा सा मंत्र है, उसको जाप करोगे। मंत्र कहिए, कलमा कहिए, मेथड ऑफ मेडिटेशन कहिए, शब्द कहिए, नाम कहिए, बस वो आपको मिलेगा, उसका अभ्यास करते रहिए, कोई और नहीं, आप खुद अपने विचारों को बदल के रख देंगे। और उन शब्दों को लेने के लिए आपको सत्संग आना होगा। पूरी लाइफ के लिए एक दो दिन अगर निकालने पड़े तो हमें नहीं लगता ये घाटे का सौदा है, वो समय निकाल के आइए, हम आपको वो तरीका बताएंगे, वो युक्ति बताएंगे। नहीं, कोई धर्म ना छोड़िए, मजहब ना बदलिए, नोट बोट कुछ देने की जरूरत नहीं, कुछ अलग से खर्चा नहीं होगा आपका, कोई नाम नहीं बदला जाएगा, बस बिना पैसे के आपको वो शब्द मिलेंगे, अलग से टाइम नहीं देना आपने, टाइम के साथ साथ, यानी कोई भी कार्य कर रहे हो उसके साथ साथ जीभा से, ख्यालों से आप उन शब्दों को, उस गुरुमंत्र, उस मेथड ऑफ मेडिटेशन को दोहराते रहना, लाइक ए सॉन्ग, एक गीत को गुनगुनाते हो जब आप खुश होते हो, उसी तरह जीभा से, ख्यालों से उस गुरुमंत्र, उन शब्दों को गुनगुनाते रहना, और आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी नेगेटिविटी कब पंख लगा के उड़ गई, आपको पता नहीं चलेगा कब आपके अंदर आत्मबल आ गया। और आप जानते हैं, शायद नहीं जानते, जिनके अंदर आत्मबल होता है वो सफलता के चरम पे एक पल में पहुंच जाया करते हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप में दिमाग कम नहीं है, यार दोस्त आपके भ्रम डाल देते हैं, यार तू तो बुद्धू है, तेरे में दिमागी इतना है, तू तो ट्यूबलाइट है, तू तो फलां है, तू तो फलां है। गलत, ईश्वर ने सबको दिमाग एक जैसा दिया है,
ये अलग बात है, कोई इसका ज्यादा इस्तेमाल करता है और कोई बिल्कुल न्यू लिए बैठा है। इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करने के लिए दिया है प्रभु ने। दिमाग का जितना इस्तेमाल करोगे उतनी ही आपकी शक्ति सोचने की और बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा और उसके सहारे आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके अंदर से आपको मिलता जाएगा। एक पैसा भी नहीं लगा और टेंशन फ्री भी हो गए। कौन नहीं चाहता ऐसा करना? यूथ हो, कोई बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर कोई चाहता है ऐसा करना। तो फिर शर्म किस बात की? क्या साथी ये कह देंगे यार तू तो बाबा या किसी गुरुजी के पीछे लग गया? क्या वो साथियों ने आपका नेगेटिविटी दूर किया कभी? क्या आपके टेंशन का कोई हल है उनके पास? क्या आपके प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का सलूशन है उनके पास? नहीं ना, तो फिर उनकी चिंता क्यों करते हो जो खुद अनाड़ी है, जिनको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए लोक लाज त्याग दीजिए, अपनी जिंदगी का रास्ता सही करने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए सच्चे पीर फकीर से मिलिए। उस मंत्र, उस शब्दों का जाप कीजिए, यकीन मानो आप जरूर सफल होंगे और जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी। तो जो भी सत्संगत आश्रम में चल के आई है, बहुत बहुत स्वागत जी आया नु। और यहां ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बैठे हैं, खड़े हो जाइए। अमनप्रीत कौर इंसान सत्कार जी दिन सा आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बेटा, और बचनों पे रहना, सुमण करते रहना, मालिक साथ है आशीर्वाद। दूर दराज से असम से फौजी सुखचैन इंसा, इंदौर से परमजीत इंसा, बहुत स्वागत बेटा जी आए नो, मालिक खुशियां दे, प्रसाद ले लेना बेटा आशीर्वाद। शानू इंसा, रिचा इंसा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी बेटी हुई है, अच्छी नेक इंसान बनाना, आशीर्वाद बेटा। पीआर के लिए फाइल, तो उसके लिए भी आशीर्वाद। हर लाभ कौर इंसान, कल मेरे जॉब के लिए इंटरव्यू है, सुमण करना बेटा, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, मालिक साथ आशीर्वाद। विदेशों में, देश में लाइव वीडियो ऑडियो के द्वारा सैकड़ों लाखों लोग सत्संग सुन रहे हैं, सबको बहुत आशीर्वाद। शाह जी गिनेस वेलफेयर फोर्स का प्रसाद लेने वाले एक बहन, इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले वो भी एक बहन। तो धन्य माँ, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके उन्हें निभाते। सो जोर शोर से सेवा करना, मालिक सैकड़ों गुना बढ़ के खुशियां बख्शते हैं। नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद। शास्त्राम जी बॉयज कॉलेज सरसा, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ग्रीको रोमन रेसलिंग प्रतियोगिता में रेसलिंग खिलाड़ी कृष्ण कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसमें 132 यूनिवर्सिटी के 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया, और खेल में अहम योगदान हेतु 2 अप्रैल को CDLU ने कॉलेज को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। शाबाश बेटा, वेल डन, और आगे बढ़ो बेटा, और हिम्मत से आगे बढ़ो, मालिक साथ है, वेल डन, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाए बेटा। घर जाने वाले 4 से 60 दिन के सेवा वाले सेवादार की, तो प्रसाद ले जाना, सारे परिवार को आशीर्वाद कहना, मालिक खुशियों से ना बाजे आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाइए। बीमार बीमारों का प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितने बार दवाई पहले आधा घंटा सुमरण करना, कैंसर जल आयला इस दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। तो प्रसाद ले लेना, अगर बाहर से फायदा नहीं तो यहां हॉस्पिटल गरीबों के लिए सत्संग की तरफ से फ्री है। हमारा मक्का भी आप, हमारा मदीना भी आप, आपकी शख्सियत को बयान कर नहीं सकते, आपके चेहरे के नूर का, थोड़ा इधर को ना, इधर वाले बच्चे, आपके चेहरे के नूर का क्या कहना, चाहें भी तो चेहरे से नजरें हटा नहीं सकते। शास्त्रम जी बॉयज कॉलेज सरसा, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। खाने पीने की गलती की है, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई, वो खड़े हो जाए। बच्चनों में गलती नहीं करनी चाहिए, खुशियां चली जाती हैं। आज सच्चे दिल से तौबा करोगे तो मालिक फिर से माफ करेंगे। नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक माफ करेंगे जी। एक और बैनर है, पेपर आगे सिर पर दिल घबराता है,
रहमत जब आपकी देखें दिल संभल जाता है, हमारी मेहनत को कबूल करवा देना, फेल होते नजर आए तो पास कर। वाह, आज शायद आपके लिए व्याख्या हुई है इसलिए उस पर अमल कमा लेना, तो हमें लगता नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। कई लोगों को होता है कि पिताजी को किसी ने बताया हुआ, बताओ ये बाद में खड़े हुए और हम वो व्याख्या पहले हो चुकी है कि नौजवानों को नेगेटिविटी का शिकार नहीं होना चाहिए। जिनके कीड़ा है ना अंदर की, पिताजी को कोई बताता होगा, हमें लगता है उनका निकल जाना चाहिए, बाकी राम जाने। तीन वचनों में दांत गुम हुई है, नारा लगाया, पूरा नहीं किया, सबूत की बेअदबी की, सेवा पर नहीं, अश्लीलता देखी, प्रसाद खराब किया, वचन नहीं माने, खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ, कभी गलती नहीं करनी चाहिए। जंग सिंह गुरमेज इंसान, खड़े हो जाओ, बार बार गलती करते हो, खुशियां चली जाती हैं, कभी भी गलती ना करना, लगातार सुमन करते रहना, नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक रहमत करते। हिंद का नापा को जवाब, मूवी की अपार सफलता की खुशी में शाही कंटीन दूसरी शिफ्ट की बहने 15,000 रुपए दिन दुखी मद के लिए बैंक में जमा करवा चुके हैं, खड़े हो जाए। तो जो भी दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, मालिक आपके घरों में खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक रहमो करम से नवाजे, बहुत आशीर्वाद, बैठ जाए बेटा, मालिक खुशियां बख्शे सबको, बहुत आशीर्वाद। दो परिवार आए हैं जिनके परिवार में किसी ने छोड़ा, छोड़ा है जी, एक का नाम नहीं लिया था, छोटा बच्चा मां के गर्भ में, अगर मां ने सुमरण किया तो उस पर भी रहमत होती है। एक परिवार अस्थियां लेके आश्रम में देना है तो उसमें पेड़ लगाया जाता है, आत्मा का वाला परिवार का एडम वालों को वो अस्थियां दे दे। दोनों परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद, परिवार दोनों तरफ आए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। दुख जरूर लगता है जब कोई चला जाता है, लेकिन जो जख्म देता है मरहम जरूर देता है, सो प्रसाद ले लेना, मालिक आपको शक्ति बख्शे। नशा छोड़ने कोई आया है, परिवार का एक आदमी साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री, लेकिन ख्याल रखिए जब नशा छोड़ के जाना है, यार दोस्त जो नशेड़ी है उनका संग सोहबत हर किसी नहीं करना, ये पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। और प्रसाद यहां से ले लेना, शादी के कपड़े, हार, प्रसाद, पेन, छोटा बच्चा, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, कुछ सामान लेके आए ऊपर कर लो, और सारी सास संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद, सामान नीचे कर लो। तो जो भी सास संगत पधारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत, जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अब थोड़ा समय सजे रहना, उसके बाद जैसे आपका विचार, जाने का समय साधन के मुताबिक जा सकते हो, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। धन सतगुरु।